नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन वो ब्रिटेन में मौजूद रहे, जहां भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस कार्यक्रम का आयोजन लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ गीतकार और लेखक प्रसून जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर सवाल किए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा ये आपको बताते हैं। कार्यक्रम के दौरान हॉल में मौजूद लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने और अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इसी बीच एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी की फिटनेस को लेकर सवाल किया। जी हां, देश के प्रधानमंत्री है ही इतने फिट कि हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री की फिटनेस का आखिर राज क्या है। जब उन्होंने इसका जवाब दिया तो क्या खास रहा उस जवाब में, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की सेहत का राज जानना चाहते हैं? क्या आप भी उनकी तरह रोजाना 16 घंटे तक काम करना चाहते हैं और थकना भी नहीं चाहते? तो सुनिए, वे रोज खाने में 1-2 किलो गालियां खाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यही है उनकी सेहत का राज। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन के टाउन हॉल में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कही। लंदन के टाउन हॉल इवेंट में बुधवार को जब एक श्रोता ने उनसे उनकी सेहत का राज पूछा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 20 सालों से वो लगातार 1-2 किलो गालियां खा रहे हैं। गालियां ये शब्द कहते ही दर्शकों का शोर उमर पड़ा, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अपने बोलने की कला से सुनने वालों को अपना कायल बनाते रहे। उन्होंने अपनी आलोचना का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में इस पर खूब सहानुभूति पाई है। उनकी लोकप्रियता बढ़ने की एक वजह ये भी रही कि वे लोगों को ये बताते रहे कि देखो मीडिया बुद्धिजीवी तबके का एक वर्ग उन्हें कितनी गालियां देता है। उनके इस तरह के बयान से एक बड़े वर्ग की सहानुभूति उनके प्रति और बढ़ जाती है। टाउन हॉल के भाषण में भी ऐसा ही देखा गया। प्रधानमंत्री के गालियां शब्द कहते ही लोगों की सहानुभूति उनके प्रति जबरदस्त समर्थन का उत्साह दिखा। लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में देश की बढ़ती ताकत के बारे में बताया। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने किया। करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कठुआ से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक तमाम मसलों पर बात की। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामलों में कार्रवाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में कहा कि रेप रेप होता है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम हमेशा अपनी बेटियों से पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कहां जा रही हैं। हमें अपने बेटों से भी पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति ये अपराध कर रहा है वो भी किसी का बेटा है। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस सरकार और उस सरकार में रेप की घटनाओं की संख्या की गिनती में कभी शामिल नहीं हुआ, बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, किसी बेटी से रेप देश के लिए शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में आयोजित कार्यक्रम में अपनी सरकार की तारीफ के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, विदेश नीति, सरकार के कामकाज समेत अन्य मसलों पर राय रखी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल BHBC News को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी फिटनेस का राज खोला बल्कि अपने देश में किए गए वादों की विदेश की धरती से सच्चाई भी बताई। प्रधानमंत्री ने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम के जरिए दुनिया को संबोधित किया। कवि और लेखक प्रसून जोशी के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां और कई योजनाओं का जिक्र भी किया और कई आंकड़े भी गिनवाए। अब आंकड़ों की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारे संवाददाता अंजलि के पास। जी हाँ रंजना, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने विदेश दौरे पर है और अपनी बोलने की कला के लिए वे काफी जाने जाते हैं, ना सिर्फ देश में ही बल्कि दुनिया में भी उनकी बोलने की कला के लिए बहुत चर्चित रहे हैं और इसमें उन्हें कोई नहीं पछाड़ सकता। इसका असर तो कल लंदन में हुए एक विशेष कार्यक्रम उनका भारत की बात सबके साथ में भी देखा जा सकता है, जहां उन्होंने एक तरफ अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनाई हैं और उसके साथ साथ कई निजी बातें भी उन्होंने वहां शेयर की। लेकिन वहीं उन्होंने
पिछली पार्टी को, पिछली सरकार जो रही है उसको भी लपेटे में लिया है। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के कई ऐसे दावे किए हैं जो अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हमें जानना जरूरी है कि किस हद तक सच है। तो उनके दावों को जानने के लिए जमीनी स्तर पर क्या उनके दावे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मुकुल और गोपी। तो इनसे हम जानेंगे कि उनके जो दावे हैं वो किस हद तक सच हो रहे हैं या किस हद तक उसमें काम चल रहा है। एक तो उन्होंने सबसे पहले बात कही थी बिजली की। भारत में बिजली को लेकर काफी परेशानी रहती है इस वक्त। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पिछली सरकार में 5000 गांव में यह बिजली देती थी, हम 10000 में देते हैं, और 18000 गांव में उन्होंने 1000 दिनों में बिजली पहुंचाई है, जबकि सिर्फ 150 से 175 गांव बचे हैं जिसमें उन्होंने बिजली पहुंचाना है। तो आइए हम मुकुल से जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई और किस हद तक, किस आंकड़े में बिजली अभी तक पहुंची है। मुकुल, अंजलि, मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाने के लिए 18000 गांव में एक योजना चलाई, सौभाग्य योजना। और सौभाग्य योजना पर अगर नजर डाली जाए और आंकड़े अभी तक के देखे जाएं तो 18000 गांव में से लगभग 150 से लेकर 175 गांव तक ही अभी बचे हैं। लेकिन अगर सारा कुछ देखा जाए तो लगभग 44.87 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन 3.37 करोड़ परिवारों तक अभी बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार इसके लिए पुरजोर तरीके से काम करने में जरूर लगी हुई है। मतलब बिजली का काम हो रहा है, लेकिन उनका फैक्ट एक ये भी कहता है कि यूपी जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, मोदी ही नहीं योगी भी बिजली के कामों में को अपने गिनवाते रहते हैं कि हमने इतने गाँव में बिजली पहुंचाई। तो यूपी में बिजली के क्या हाल रहते हैं बिल्कुल? अंजलि, अगर नजर डाली जाए तो यूपी में लगभग 45% घर ऐसे हैं जिनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन क्योंकि योगी, अगर जैसे आपने बात की योगी की, तो योगी सरकार को आने में भी अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और योगी सरकार और मोदी सरकार का काम जो बिजली के लिए चल रहा है अगर उस पर सारी नज़र डाली जाए और पिछली सरकारों को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो थोड़ा सा वक्त जो जा रहा है वो जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार सौभाग्य योजना को पुरजोर तरीके से जमीनी स्तर पर यूपी में मतलब कोशिश जारी है मोदी की, लेकिन जो उन्होंने दावा किया है वो शायद कुछ हद तक सच हुआ है या काम चल रहा है। लेकिन ऐसे ही उन्होंने कई और दावे भी किए, जिसमें एक था सड़क निर्माण की। उन्होंने सड़कों पे काफी निर्माण करवाया, जैसे पिछली सरकार ने, हमारी पिछली सरकार जो थी वो एक दिन में 13 किलोमीटर सड़क बनवाती थी। मोदी ने कहा कि हमने ये काम 3 गुना बढ़ाया है, लेकिन अगर हमारे आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ 17 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मोदी का फैक्ट किस हद तक काम कर रहा है? जी हाँ अंजलि, अगर हम मोदी जी की बात देखें तो उन्होंने बोला है कि 17 किलोमीटर सड़कें रोज बनाई जाती हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो 2013 आंकड़ों की बात देखें तो 2013 से 14 के बीच में 4000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, और 2014 से 15 के बीच में 4400 किलोमीटर सड़कें बनी थी। वहीं अगर हम 2017 से 18 की बात करें तो मोदी सरकार की जो टारगेट है वो तकरीबन 8000 किलोमीटर सड़कें बनाने का। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 2013 से 14 के बीच में 4000 से लेकर आज के टाइम पर 8000 सड़कें बन रही है। तो 3 गुना तेजी से तो नहीं, लेकिन हाँ, दुगनी तेजी से जरूर काम चल रहा है। जी हाँ, मतलब काम हो रहा है, लेकिन फिर बात वही आती है कि मोदी जी ने कहा था कि 3 गुना स्पीड से सड़कें बन रही हैं, लेकिन अगर एक दिन का कंपेयर किया जाए, पिछली सरकार 13 किलोमीटर बनाती थी, ये सरकार 17 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 4 किलोमीटर का फर्क पड़ा है। वहीं मोदी जी कहते हैं कि हमने 13 किलोमीटर से पिछली सरकार के कंपेयर में 3 गुना यह काम करवाया। तो कहीं ना कहीं ये दावा उनका झूठा साबित हो रहा है कि यह काम नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम उनके और दावों की बात करें तो कहीं ना कहीं मातृत्व अवकाश की उन्होंने बात की थी। मातृत्व अवकाश जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो अवकाश दिए जाते हैं, मोदी जी ने बोला था कि हमने 26 हफ्ते का अब मातृत्व अवकाश देना शुरू कर दिया। तो ये बात सरकार में कितनी हद तक लागू हो रही है, क्या ये अवकाश महिलाओं को मिल भी रहा है? अंजलि, अगर मैं आपको बताऊं और आंकड़े जो कहते हैं, ये अवकाश 26 हफ्ते का जो अवकाश दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वो अपने भारत में तो मिल रहा है, जो कई अगर पिछले और आंकड़े देखे जाएं और देश देखे जाएं उनसे ज़्यादा ही है। वहीं अगर मैं बात करूं यूके की, तो यूके में अभी भी जो अवकाश दिया जाता है वो 52 हफ्ते का दिया जाता है, लेकिन उस 52 हफ्ते के अवकाश में से 39 हफ्तों की सैलरी मिलती है, जिसमें जो लगभग पूरे काम का 90% होती है। जी वही बात है कि यूके में 52 हफ्ते का अवकाश दिया जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ 26 हफ्ते का अवकाश दिया जाता है। लेकिन और देशों से कंपेयर करें, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों हैं, उनसे अभी भी हमारा भारत काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम अगला उनका दावा देखें, कहीं ना कहीं महिलाओं की कई परेशानियां होती है, सिर्फ मातृत्व अवकाश ही नहीं, उनको कई सिक लीव भी मिलनी चाहिए।
लेकिन उनका अगला दावा जो उन्होंने कहा है वो था उनका सर्जिकल स्ट्राइक। 29 सितंबर 2016 को मोदी ने पाकिस्तान को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने ना केवल देश में बल्कि दुनिया में भी डंका बचा दिया था। और यह स्ट्राइक इतनी मोदी का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मोदी ने जो दावा किया है, पाकिस्तान तो लेकिन इस बात को इनकार करता है, तो इस बात का कितना दावा उनका सही है? जी हाँ, देखिए अंजलि, पाकिस्तान ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरीके से मना किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी, इस बात के पुख्ता सबूत भी है उनके पास। और जहाँ तक कि भारत में भी इस चीज़ को बहुत लेके पॉलिटिक्स हुई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान काफ़ी डर गया, क्योंकि आप देखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले काफ़ी बार हमले होते थे, काफ़ी तरीकों से हमले किए जाते थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं डर गया। पूरे देश में बात पता चल गई है कि अब अगर कोई भारत को तंग करेगा या उसको साथ किसी भी तरीके की हमलेबाजी की जाएगी तो भारत अब हमला करेगा। मोदी जी ने लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा था कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने 11 बजे पाकिस्तान को फोन करके बताया था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उसके बाद 12 बजे उन्होंने हमें खबर दी थी, मतलब हमारे भारत वालों को खबर दी थी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस बात से इनकार करता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है। वहीं अगर अगला कदम देखा जाए तो मोदी ने अगला कदम ये बताया, अपना अगला दावा अपनी सरकार की उपलब्धियों में ये गिनवाया था कि बिना कोई नई फैक्ट्री लगाए उन्होंने यूरिया का 20 लाख टन उत्पादन बढ़ा दिया है। तो ये बात कहीं ना कहीं मोदी का दावा कितना सच है, कितना काम हो रहा है, क्या वाकई 20 लाख टन बिना कोई नई फैक्ट्री लगाए काम बढ़ाए यूरिया का, इसके लिए मुकुल? अंजलि, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार का ये दावा और प्रधानमंत्री मोदी का लंदन में किया यह दावा लगभग सही है, क्योंकि अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालते हैं हम तो 2013 और 14 का जो आंकड़ा रहा था उसमें 227 लाख टन था। उसके बाद जब 14 और 15 में जब आंकड़ा आया यूरिया का तो वो 225 लाख हुआ, और इसके बाद जो ताज़ा मामला आया 2015 और 2016 का वो हमारा आया 245 लाख टन। तो लगभग 18 लाख टन का फ़ायदा इस बार सरकार को यूरिया में हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ दावे जैसे उनके काम कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे दावे भी हैं जो उनके जमीनी स्तर पर अभी नहीं हुए, सिर्फ बातों में ही रह गए हैं। वहीं एक उनका दावा ये भी रहा था कि उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेके काफ़ी अपना उनका स्वच्छता अभियान रहा है, स्वच्छता मिशन उनका पूरा उन्होंने बोला है, हर जगह उनके मंत्री स्वच्छता अभियान को लेके बताते रहते कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। तो स्वच्छ भारत को लेके, मिशन को लेके उन्होंने कई टॉयलेट्स का निर्माण कराया था, शौचालयों का निर्माण जो उन्होंने कराया था, यह दावा भी उन्होंने लंदन में अपने इस कार्यक्रम के अंदर किया था। तो शौचालय का निर्माण जो उन्होंने करवाया पिछली सरकार से, उन्होंने तुलना की कि हमने पिछली बार से दुगने अब शौचालयों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। तो इस बात का गोपी क्या मतलब कहना चाहेंगे कि सच में वाकई ये शौचालयों का निर्माण हो रहा है या पिछली सरकार से उनका काम बढ़ा है? जी हाँ अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जब से मोदी सरकार ने स्वच्छता को लेकर बहुत ही अभियान चलाए हैं, स्वच्छ भारत मिशन भी मोदी जी ने ही अपना अभियान चलाया था। तो उसको अगर आप देखें तो पिछले अभिराम कृपाल यादव ने ही बताया था कि उन्होंने पिछले समय में 6 करोड़ शौचालय का निर्माण कर दिया और आगे आने वाले 1 साल के अंदर 2 करोड़ और शौचालय का निर्माण करने चाहते हैं। तो आपको बता दूं लेकिन इस टाइम पे भारत के अंदर 82% लोगों के घरों में शौचालय है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साढ़े सात सौ मिलियन लोगों के पास अभी शौचालय उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर भी भारत मोदी सरकार ने पिछली सरकार के मुताबिक अपने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बहुत ही काम किया है। जी, बात वही है कि मोदी जी अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां काफी बड़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे कि बोलने की कला में तो मोदी को कोई पछाड़ ही नहीं सकता, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे हमने सारे आंकड़े उनके जाने, उन्होंने जो दावे किए थे वो भी देखे, लेकिन जहां तक उनके कुछ काम पूरे हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, वहीं कुछ दावे ऐसे भी थे जो उनके पूरे नहीं हुए। और इस बात का असर बखूबी उनके 2019 के चुनाव में भी पड़ेगा। अब 2019 के चुनाव में ये देखना वाकई काबिल तारीफ होगा कि उनकी इस बातों का कितना असर हो रहा है जनता पर। हमने आपको सारे आंकड़े बताए हैं, लेकिन 2019 के चुनाव का जनता पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, या 2019 के चुनाव में उनकी क्या तैयारियां चली है, या ये उपलब्धियां उनके लिए, उनके चुनाव के लिए कितना उनका काम करेंगी, ये जानने के लिए मुकुल? अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अगर 2019 के चुनाव को देखा जाए और मोदी सरकार को अगर 2019 के चुनाव में इन्हीं आंकड़ों के साथ उतारा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनता मोदी सरकार के साथ है, क्योंकि जो भारत का गरीब तबका है वो गरीब तबका कहीं ना कहीं लिए गए फैसलों से ज़रूर खुश होता है। आपने नोटबंदी जैसे फैसला देखा, उसमें जब हम लोगों ने गरीब तबके से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई है जो फैसले ले सकता है। और अगर कई योजनाओं की बात की जाए, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया,
सौभाग्य योजना जो बिजली के लिए चल रही है वो सौभाग्य योजना हो गया, उज्ज्वला योजना जो गैस के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाई गई वो योजना हो गई, अगर सारा कुछ मिलाया जाए और एक गरीब तबके को मोदी सरकार के साथ जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव डेफिनेटली मोदी सरकार के पक्ष में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये तो 2019 में ही देखने को मिलेगा कि जनता पर कितना असर इनके दावों का हो रहा है या इनकी बातों का कितना असर जनता पर छोड़ रहे हैं, ये 2019 में ही देखने को मिलेगा। तो रंजना ये थे हमारे आंकड़े जो मोदी जी ने बताया, और जमीनी स्तर पर उनका कितना प्रभाव हो रहा है, कितना काम कर रहे हैं या कितना काम चल रहा है। रंजना जी, अंजलि जैसा कि आपने आंकड़ों के बारे में बताया, क्योंकि कई वादे उन्होंने किए हैं और उस विदेश दौरे पर उन्होंने ये बातें सबके सामने रखी, आंकड़े गिनवाए, अपनी योजनाओं के बारे में बताई, लेकिन उन सबसे हटकर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ बताया। साथ ही साथ देश में जो इस समय करंट मुद्दा है, जिसकी हिंसा की आंख भड़की हुई है और रेप केसेस लगातार होने हैं, हमने उन्नाव और कठुआ का केस देखा अंजलि, उस सिलसिले पर प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई थी, कोई टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन विदेश दौरे पर लंदन की जमीन से उन्होंने कहा कि रेप रेप होता है, फिर चाहे वो किसी भी सरकार में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे मेरे सरकार में हो या बीजेपी की सरकार में हो, लेकिन रेप रेप होता है। ऐसे में जब चुनाव इतने करीब है, कैसे आप इस पूरे बयान को देखती हैं अंजलि? रंजना ये सच में सोचने वाली बात थी कि मोदी ने अभी तक कोई भी बयान इस पे नहीं दिया था। कठुआ मामला हुआ, उन्नाव मामला हुआ, दोनों मामले उनकी सरकार में हुए हैं, दोनों रेप केस उनकी सरकार में हुए, उनके मंत्री भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन मोदी फिर भी चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने इस पे कभी कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन जब कल ये प्रोग्राम उनका हुआ भारत की बात सबके साथ, तो उन्होंने इस बात को भी बताया कि रेप को कहीं ना कहीं राजनीति में लाना गलत है, या फिर किसी की भी सरकार में ये हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन उस पर राजनीति करना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि एक उन्होंने भाई एक लड़की के मान सम्मान के बारे में बताया कि रेप एक बहुत बड़ी गलत धारणा है जो होती है, जो हमारे लोगों में कहीं ना कहीं मानसिकता खराब हो चुकी है समाज की। जी बिल्कुल, कटु मानसिकता कह सकते हैं इसे, समाज में कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है कि समझदार हमें होने की जरूरत है, हालांकि पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन समझदारी की कमी ही कहीं ना कहीं इन वारदातों को अंजाम देने में पूरी कोशिश उनकी रहती है। अंजलि साथ ही ये जानना चाहूंगी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, स्वच्छ भारत अभियान की बात कही, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम रहा है, लेकिन क्या हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी से 2019 में ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि इस तरीके की तमाम सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरीके के हमले होते हैं, हम उनके जवानों को मारते हैं, वो हमारे जवानों को मारते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? जी प्रधानमंत्री मोदी से अगर जाने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो सूचित करते रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन बात वही आती है कि परमानेंट इलाज तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान भी अपनी ओर से आगे बढ़ेगा। मोदी ने तो ये कहा था कि मुझे परमानेंट इलाज चाहिए, मैं पाकिस्तान से सुलह करने को भी तैयार हूँ, लेकिन बात वही आती है जब दोनों पक्ष तैयार होते हैं सुलह तब ही हो पाती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अंजलि, बातचीत ही वो तरीका है जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से सामान्य हो सकते हैं, हालांकि बहुत बार कोशिश की गई बातचीत की, जिसका कोई कारगर सोल्यूशन सामने नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बीएचबीसी न्यूज़। नमस्कार।